ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपनी ही पार्टी से मतभेद छुपा नहीं है। ऐसे में उनका ये पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। पोस्टर में ज्योतिरादित्य सिंधिया पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ नजर आ रहे हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य भिंड के अटेर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे थे। यहीं पर उनके स्वागत में ये पोस्टर लगाए गए थे। इस पोस्टर में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर मोदी सरकार का समर्थन करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया गया था। इधर सिंधिया का अपनी पार्टी से मतभेद अब साफ तौर पर बाहर आ चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सूबे की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि अभी किसानों की कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं हो सका है। हमने 2 लाख रुपए तक के कर्ज वाले किसानों को लोन माफी का वादा किया था, लेकिन 50,000 रुपए तक के कर्ज ही माफ किए जा सके हैं। सिंधिया ने कहा था कि हमने अपने वादे पर पूरी तरह से अमल नहीं किया है और वादा पूरा करना चाहिए। इस मामले में अब भाजपा ने भी दखल देते हुए कहा कि सिंधिया ने अपने बयान से कमलनाथ को आईना दिखाने का काम किया है। और इन सब के बीच आए इस पोस्टर ने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।